हेलो लर्नर, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज आर्ट्स में। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में लिथोग्राफी के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, आज सेकंड वीडियो में मैं इसके लिथोग्राफी की विधि के बारे में बताऊंगी। लिथोग्राफी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आइए शुरू करते हैं। यह एक धरातल में पानी और तेल के वैमनस्य का सिद्धांत है, यानी कि पानी और तेल जैसे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ये उसी पर आधारित है। कहीं पे इसे द्विवेशी भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में मुद्रण एवं अमुद्रीय तत्व दोनों ही समतल होते हैं, यानी कि जिसमें प्रिंट किया जाता है और जिसमें प्रिंट करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के समतल होते हैं, जिसे रसायनों के द्वारा एक दूसरे से अलग किया जाता है, इसलिए इसे समतल मुद्रण भी कहा जाता है। लिथोग्राफी में मुद्रीय तल ना तो रिलीफ प्रिंटिंग की तरह उभरा हुआ होता है और ना ही इंटे गैलरियों की तरह। अब ये दोनों भी प्रिंटिंग के मेथड है। रिलीफ प्रिंटिंग मतलब जैसे कभी आपने आलू से प्रिंट बनाया होगा या पुराने ज़माने में टाइपराइटर का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसे बोलते हैं रिलीफ प्रिंटिंग। और इंटे गैलरियों जो प्रिंटिंग का मेथड है वो एकदम रिलीफ प्रिंटिंग के बिल्कुल अपोजिट है। इसमें प्लेट पर एक उठाया मुद्रण क्षेत्र बनाने के बजाय इसमें एक छवि को खोदते हैं, यानी कि उसमें जो चित्र है उसको खोदा जाता है, यानी कि उभारा जाता है रिलीफ में। और जो इंटे गैलरियो है उसमें चित्र को खोदा जाता है। लिथोग्राफी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, लिथो और ग्राफी, जिसमें लिथो का अर्थ है पत्थर और ग्राफी का अर्थ है पत्थर पर अंकन करना। अतः हम इसे पत्थर से मुद्रण या फिर अंकन लिथोग्राफी भी कहते हैं। लिथोग्राफी के पीछे भी एक स्टोरी है, आइए जानते हैं उस स्टोरी के बारे में। सेने फेडर, जो कि लिथोग्राफी के आविष्कारक माने जाते हैं, जब सेने फेडर की मां ने एक दिन उन्हें लॉन्ड्री के कपड़ों का विवरण लिखने को कहा, तो उनके पास कपड़ों का विवरण चिकनी पेंसिल से पत्थर पर लिख दिया। सेने फेडर वैसे तो एक लेखक थे जो कि मुद्रण के लिए धातु से रिलीफ और पत्थर से खोदकर मुद्रण करने के प्रयोग कर रहे थे। मुद्रण में प्रयुक्त करने के लिए उन्होंने पत्थर से लिखाई को उतारने के लिए नाइट्रिक एसिड और गम अरेबिक का प्रयोग किया। इससे लिखाई वाला स्थान साफ नहीं हुआ और पत्थर के ऊपर स्याही लगाने पर केवल लिखे गए भाग के ऊपर ही स्याही लगी और खाली भाग के ऊपर स्याही नहीं लगी। इस प्रकार स्याही लगे हुए भाग से सेने फेडर ने लिथोग्राफी मुद्रण की प्रक्रिया का प्रारंभ किया। और भारत में अगर लिथोग्राफी के प्रारंभ की बात करें तो 1822 में कोलकाता में फ्रांस के कलाकार बेलनॉन एवं डे सेलेवांग द्वारा लिथोग्राफी मुद्रण प्रारंभ किया गया। प्रथम लिथोग्राफी प्रेस एशियाटिक लिथोग्राफी प्रेस की स्थापना कोलकाता में 1825 में की गई। कोलकाता के अतिरिक्त पटना में भी लिथोग्राफी द्वारा मुद्रण प्रारंभ किया गया। इससे पूर्व चित्रों को मुद्रण करने के लिए लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता था। भारत में इस पद्धति का प्रयोग 1960 तक मुख्य रूप से किया जाता रहा। लिथोग्राफी के लिए चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का प्रयोग किया जाता है। बवेरिया के सोनहाफ में मिलने वाला पत्थर लिथोग्राफी के लिए अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है और यहाँ से पूरे विश्व में पत्थर का निर्यात होता है। मुद्रण प्रक्रिया, लिथोग्राफी मुद्रण के लिए सर्वप्रथम पत्थर को तैयार किया जाता है तथा उसके पश्चात तत्व के ऊपर चित्र बनाकर पत्थर के मुद्रण के लिए तैयार किया जाता है। पत्थर की किसाई के लिए विशेष तौर से बनाई गई लकड़ी की मेज के ऊपर पत्थर को रखे। पत्थर को चिकना करने के लिए पत्थर में बारीक बजरी और लोहे के बुरादे डाले जाते हैं, उसमें पानी छिड़का जाता है ताकि जिससे पत्थर जो है समतल हो जाए, एकदम चिकना पत्थर को बनाया जाता है, उसमें जो दाग है उनको मिट जाए, उसे एट के आकार से आराम से घुमाया जाता है। लिथोग्राफी पार्ट थर्ड में हम पत्थर के ऊपर चित्र कैसे बनाने हैं इसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।